यूं ना बैठी रहिए भाभी श्री, यूं ना बैठी रहिए। तो मैं और क्या करूं विदुर? अपने पुत्रों की विजय के लिए प्रार्थना कीजिए। क्या तुम मेरे पुत्रों की विजय का अर्थ जानती हो? क्या मैं गांधारी पुत्रों की मृत्यु के लिए प्रार्थना करूं? धर्म युद्ध में यह नहीं देखा जाता भाभी श्री कि कौन किसका पुत्र है। वैसे तो सारी मानव जाति ही परमपिता ब्रह्मा की संतान है, परंतु फिर भी युद्ध होते हैं, फिर भी लहू बहता है, फिर भी किसी को विजय मिलती है और किसी को पराजय। यह नाते तो उन भारी पत्थरों की भांति है भाभी श्री, जो बड़े से बड़े निपुण तैराकों को भी डुबो देते हैं। पांडवों के लिए विजय मांगिए भाभी श्री, पांडवों के लिए विजय मांगिए, इसलिए नहीं कि वे आपके पुत्र हैं, इसलिए कि वे धर्म के मार्ग पर हैं। उनके लिए विजय न चाहना तो पाप है, उनके लिए विजय न चाहना तो अधर्म और असत्य का पक्ष लेने के समान है। इस युद्ध में कोई निष्पक्ष नहीं रह सकता भाभी श्री, इसलिए अपना पक्ष चुनिए भाभी श्री, अपना पक्ष चुनिए। सत्य और असत्य, धर्म और अधर्म, प्रकाश और अंधकार के इस युद्ध में निष्पक्षता का केवल एक अर्थ है भाभी श्री, कि आप असत्य, अधर्म और अंधकार के पक्ष में हैं। और आप जैसी तेजस्वी नारी को तो अंधकार के पक्ष में होना ही नहीं चाहिए। आप स्वयं ही अपना इतना बड़ा अपमान नहीं कर सकती हैं भाभी श्री, नहीं कर सकती हैं। इसलिए ये न सोचिए कि आपकी पूजा किसकी मृत्यु का कारण बनने वाली है। शव तो शव ही होता है भाभी श्री, पर केवल उसका शव आदरणीय है जिसने धर्म की रक्षा में अपने प्राण त्यागे हों। हाँ भाभी श्री, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है विदुर, किंतु फिर भी मैं दुर्योधन को पराजय का शाप तो नहीं दे सकती। तो हस्तिनापुर को विजय का आशीर्वाद दीजिए भाभी श्री, विजय का आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद पर हस्तिनापुर का अधिकार है। हाँ भाभी श्री।